पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का कुछ दिनों पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें ये दिखाया गया था कि महिला आईपीएस उनके घर में नौकरानी बनकर गई और उन्हें कुछ लोगों से पैसे लेते रंगे हाथों पकड़ा। इस वीडियो को एडिट कर अपलोड करने वाले आरोपी को भोपाल क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम शाकिर खान है। 20 वर्षीय शाकिर खान खंडवा के लहाड़पुर तहसील का रहने वाला है और बीए सेकंड ईयर का छात्र है। मामले में एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस ने आरोपी शाकिर को खंडवा से गिरफ्तार किया है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो पैसे कमाने के लिए नेताओं और आईपीएस अधिकारियों समेत बड़ी हस्तियों के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करता है। उसके वीडियो को जितने लाइक और व्यूज मिलते हैं उतनी ही उसी की कमाई होती है। वो पिछले 6 महीने से ये काम कर रहा है और अब तक 300 से ज्यादा वीडियो वो एडिट कर सोशल मीडिया पर अपलोड कर चुका है। आरोपी ने कई और बड़ी हस्तियों के भी वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं। कुछ दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का जब वीडियो एडिट कर आरोपी ने सोशल मीडिया पर अपलोड किया था, तब उमा भारती के ओएसडी ने मामले में क्राइम ब्रांच को शिकायत की थी, जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच भोपाल को एक आवेदन प्राप्त हुआ था, शिकायत मिली थी कि पूर्व मुख्यमंत्री के नाम से एक फेक और फर्जी वीडियो बनाया गया, जिसमें कि टेम्परिंग करके वीडियो कट छांट करके उनके विरुद्ध अपमानजनक बातें कुछ कही गई थी और एक तरह से बहुत ही एम्बरेसिंग वीडियो है जो उन्होंने क्राइम ब्रांच को दिया और आवेदन के साथ उस पर हम लोगों ने प्रथम दृष्टया अपराध पंजीबद्ध करके उस विवेचना की गई। विवेचना के दौरान मालूम पड़ा कि ये वीडियो जो है एक आईपीएस अफसर है, वो उनके साथ मिल के को जो वीडियो में डालकर उनका नाम एडिट किया गया है। हमने इसमें आरोपी को हरदा से पकड़ा है। ये आरोपी शाकिर जो है खंडवा का रहने वाला है, ये बीए की पढ़ाई कर रहा है, अभी बीए कंप्लीट नहीं की है, खेतीबाड़ी करता है। उसको वीडियो बनाने का, रील डालने का बहुत शौक है। ये व्यक्ति रील बनाकर डालता है और कई ऐप इसके मोबाइल में मिली हैं जिसमें कि ये इस तरह के एडिटेड वीडियो बनाकर डालता है। 300 से अधिक वीडियो इसके मोबाइल में मिले हैं जो विभिन्न पॉलिटिशियंस, क्रिकेटर्स या जो फिल्म बैकग्राउंड के लोगों के लिए बनाए गए हैं। हम इसके और बैकग्राउंड में स्थानीय पुलिस की मदद ले रहे हैं ताकि ये मालूम पड़ता है कि किस मंशा से, किस नियत से बनाए गए हैं। अभी प्रारंभिक पूछताछ में और पड़ताल में भी सामने आया कि इस वीडियो से इनको करीब 9,000 रुपये के आसपास इनके खाते में आए हैं, जिसकी हम ऑफिशियली उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं। ऑफिशियली यूट्यूब से संबंध में जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। अभी तो व्यक्ति हिरासत में और पूछताछ इससे लगातार की जा रही ताकि बाकी कोई चीज़ें जो इसके पीछे क्या भूमिका है, क्यों किया गया है, वो सब बारे में हम पूरा पता कर सकें। स्टूडेंट है सर, अभी ये मान चलते हैं कि सेकेंडरी की पढ़ाई कर रहा है खेती बाड़ी के साथ साथ में। ओके।